हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के कई सारे बड़े अपडेट्स आ रहे हैं, जिनमें पहला बड़ा अपडेट है, आज बड़ी केंद्रीय कैबिनेट बैठक हुई। जी हाँ दोस्तों, जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए क्या क्या मिला। क्या डीए में 3% की बढ़ोतरी का ऐलान हुआ, क्या 18 माह एरियर्स, 8वें वेतन आयोग पर बात बनी। साथ ही साथ 18 माह एरियर्स पर एक और बड़ी अपडेट आ रही है। पेंशनर्स के बोनस पर भी एक बड़ी अपडेट देने वाला हूं मैं। इसके अलावा आपको एक्सपेक्टेड डीएडीआर बताने वाला हूं आपका जनवरी 2025 से, और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपका जुलाई 2024 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत कब अनाउंसमेंट होगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट लेटर कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स की तरफ से, यानी यूनियंस और पेंशनर्स की तरफ से, पीएलबी बोनस और एडहॉक बोनस को जारी करने। साथ ही साथ जो डीएडीआर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुई है, उसके अनाउंसमेंट को लेकर भी कई सारे बड़े अपडेट आएंगे, जिनको हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारी चीज़ें। पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ आप हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिएगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को उसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आप हमारे चैनल पर नोटिफिकेशन सर्कुलर्स और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी पेंशनरी बेनिफिट को लेकर के, उनको हम सॉल्व करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या तो हम कमेंट बॉक्स में ही रिप्लाई करते हैं, या फिर आपको जो है आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी डाउट होगा उसे हम पूरी करने की, जो भी डाउट होगा उसे दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर आ रही है कि क्या कैबिनेट बैठक में आज जो हुई उसमें क्या क्या मिला, क्या क्या चीज़ों पर बात हुई। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों, पेंशन तारीखों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 25 तारीख को अपना खाता जरूर चेक करें, एडीएस आपको जमा हो सकता है। क्या है चीज़ें, सारी चीज़ें हम बात करेंगे इसमें। केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों को आज महंगाई भत्ते में डीए की बढ़ोतरी की बड़ी प्रतीक्षा थी, क्योंकि आज कैबिनेट बैठक थी, लेकिन इस बैठक से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को क्या क्या मिला, चलिए जान लेते हैं। पेंशन भोगियों के भत्ते में हुई बढ़ोतरी। पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 50% होने के बाद, उनके पहले भी बता चुका हूँ, कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंसमेंट में बढ़ोतरी कर दी गई है। नियम के हिसाब से जैसे ही 50% होगा वैसी कांस्टेंट अटेंडेंस अलाउंस बढ़ गया है, क्योंकि एक पेंशन से पूछा था कितना बढ़ा है, तो मैं आपको बता दूँ, पहले 6,750 रुपये था, उसे बढ़ा करके 8,438 रुपये हो गया है। इसके अलावा दूसरी बात करें, पेंशन भोगियों की अपनी पेंशन देर से मिलती थी, इसके लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने एक आदेश जारी कर दिया है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। नियम के हिसाब से हर महीने पेंशन जमा होनी चाहिए, लेकिन बैंक पेंशन डालने में देरी करते हैं, कभी कभी तो 4 से 5 दिनों तक की देरी हो जाती है, इससे पेंशन भोगियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसी को देखते हुए CPAOA ने, यानी केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय ने, आदेश जारी कर दिया है, और ऐसे में उन्होंने बोला है कि पेंशन में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। केवल मार्च महीने की पेंशन 1 अप्रैल को खाते में डालने के निर्देश है, बाकी महीनों की पेंशन के अंतिम दिन तक पेंशन भोगियों के खाते में जमा हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डी में 3% की बढ़ोतरी की प्रतीक्षा लंबे समय से है, ऐसे में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो चुका है। अक्टूबर महीने के पेंशन के साथ इसका भुगतान किया जाएगा, इसके साथ 3 महीने का एरियर भी दिया जाएगा, इससे पेंशन भोगियों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। 8वें वेतन आयोग और 18 माह एरियर्स का भी शीघ्र ऐलान किया जा सकता है। अब बात करते हैं 18 माह के एरियर्स की। आप सभी को पता है कि 18 माह का एरियर्स कोविड के टाइम पर रोका गया था, लेकिन अब जो है 18 महीने एरियर्स पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, या बोल सकते हैं बहुत दिन बाद एक पॉजिटिव खबर निकल कर आ रही है। सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स की एसोसिएशंस और यूनियंस लगातार 18 माह के एरियर्स को लेकर के जो है प्रयासरत हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, और इसके रिगार्डिंग एक बड़ी खुशखबरी निकल कर जल्द से जल्द सामने आ सकती है। खबरों की माने तो जल्द से जल्द 18 माह के DODR के एरियर्स आपके खातों में पहुंच सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार की हामी बहुत बड़ी ज़रूरी है। लेकिन यूनियंस और फेडरेशन लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत कर रहे हैं, और जल्द से जल्द कोई ना कोई पॉजिटिव खबर इस पर देखने को मिल सकती है। अब बात करें दूसरी बड़ी अपडेट की, जो पेंशन भोगियों को बोनस के लेकर आ रही है। केंद्रीय पेंशन भोगी संगठन की तरफ से केंद्र सरकार से डिमांड की गई है कि पेंशन भोगियों को भी बोनस मिलना चाहिए। केंद्रीय कर्मचारियों को हर साल इंक्रीमेंट मिलता है, उनको बोनस मिलता है, लेकिन पेंशन भोगियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में उनको भी बोनस का भुगतान किया जाना चाहिए। भले ही पूरा बोनस ना मिले, लेकिन आधा बोनस तो मिलना ही चाहिए। तो आप बोनस के रिगार्डिंग आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएगा कि क्या पेंशनर्स को भी बोनस दिया जाना चाहिए। हम एक पोल करते हैं, उस पोल में भी आप वोट करिएगा, जिससे आपको पता लग पाए, जिससे और भी पेंशनर्स को पता लग पाए कि कितने पेंशनर्स भी इच्छुक हैं बोनस लेने के। तो पोल होता है, तो उसमें पोल में भी आप जवाब जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स की तरफ से, जो आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट जो है सर्कुलर, ये बोल सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर को एक लेटर लिखा गया है, जिसमें डीएडीआर का डिक्लेरेशन, साथ ही साथ
प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और अडोक बोनस की जो है उसमें उनको बोनस घोषणा को लेकर के लिया रेगुलेटर लिखा गया है, जिसमें दुर्गा पूजा फेस्टिवल से पहले प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस और अडोक बोनस को डिक्लेयर किया जाना चाहिए, ऐसा उसमें बोला जा रहा है। साथ ही साथ आपके DADR का जो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं की गई है उसको लेकर भी बोला गया है कि DADR की जल्द से जल्द इसमें घोषणा की जानी चाहिए। अब बात करते हैं बड़ी अपडेट की। एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है जिसमें जनवरी 2025 के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी को लेकर के घोषणा एक जो है एक्सपेक्टेड डेटा जारी किया गया है, जिसमें महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बहुत कम बढ़ोतरी दिखाई दे रही है जनवरी 2025 में। आप सभी को पता है कि 53% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जुलाई 2024 से तय हुई है, लेकिन जनवरी 2025 की बात करें तो बहुत कम बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। कितना भी डेटा अगर बढ़ जाता है तो भी आपको 2% से ज़्यादा महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी नहीं होगी, 55% तक ही आपको महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगा। जैसे कि प्रीवियस ईयर्स में 4-4% तक महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ रहा था, लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कर्मचारियों पेंशन्स का जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा है उसमें अब बढ़ोतरी ज़्यादा नहीं हो रही है, जिसके चलते उसमें कई सारी चीज़ों में बढ़ोतरी नहीं होगी। और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा के चलते इसमें कई सारी चीज़ों में अपडेट आएगा और अब जो है आपकी 55% तक की महंगाई भत्ता और महंगाई राहत होगी। इसके अलावा बहुत सारे कर्मचारियों पेंशन के लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि एक महत्वपूर्ण कदम होगी, जो उनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। सितंबर 2024 में इसके अंत में इसकी औपचारिक घोषणा होने के लिए होना था, लेकिन अभी तक इसकी घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में यूनियंस और पेंशनर्स कई सारे लेटर्स लिख रहे हैं जिससे कि जल्द से जल्द 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में घोषणा की जाए। अब बात करते हैं कि आपकी बेसिक पेंशन और बेसिक फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारियों और पेंशनर्स की यूनियन से लगातार इसके रिगार्डिंग प्रयासरत हैं और लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहे हैं कि आपकी बेसिक पेंशन में एटलीस्ट बढ़ोतरी की जाए, अगर 8वां वेतन आयोग अभी नहीं आता है तो। और अगर 8वां वेतन आयोग आता है तो उसमें ऑटोमेटिक आपकी पेंशन में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन अगर अब 8वां वेतन आयोग अभी थोड़ा सा टाइम है तो पेंशनर्स और कर्मचारियों की यूनियंस और एसोसिएशन इस क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं कि बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। अगर 65 से 70 साल में 5, 10 और 15 या फिर हर एक साल में एक ब्लॉक 5 साल के ब्लॉक में 5% या फिर हर साल एटलीस्ट 1% तो बढ़ोतरी की जानी चाहिए, ऐसा जो है यूनियंस और फेडरेशन लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहे थे। 18वां AGS को लेकर भी मैंने प्रीवियस में बताया कि उसके यूनियंस और फेडरेशन लगातार इसके रिगार्डिंग बातचीत कर रहे थे कि अगर आप सरकार एक बार में पूरा पैसा नहीं दे सकती है तो 4 से 5 या 5 से 6 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में सरकार उसका पैसा दे, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को वहाँ से सारी चीज़ें मिल सकें। साथ ही साथ पेंशनर्स के बोनस को लेकर भी आप जो है बात हो रही है और उसके लिए भी डिमांड उठ रही है कि पेंशनर्स को भी दुर्गा पूजा फेस्टिवल के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। और इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट है कि ऐसे पेंशनर्स जो अप्रैल 2024 के बाद रिटायरमेंट हुए हैं उनको प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस पूरा मिलेगा, और साथ ही साथ 7,000 रुपये तक का बोनस, या फिर आप नॉन PLB हैं तो 7,000 और PLB हैं तो 14,000 के आसपास आपको वहाँ पर जो बोनस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो पेंशनर्स के लिए बोनस की व्यवस्था इस टाइप से की गई है कि अप्रैल के बाद से जो रिटायरमेंट हुए हैं उनके लिए बोनस उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको बोनस की व्यवस्था क्या होनी, क्या अरेंजमेंट होनी चाहिए पेंशनर्स के लिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही साथ आगे आने वाले दिनों में जो पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत है उस पर जल्द से जल्द घोषणा देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 मंथ्स का आपको DADR का भी AGS आप वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाएगा। वे आप कमेंट और पोल जरूर करिएगा, ताकि आपको पेंशनर्स को और शेयर जरूर करिएगा, पेंशनर्स को इसमें जो भी दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा, ऐसे न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लेगा। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।